पहले 100,000 रुपए ऐसे में बिकते थे म्यूजिक राइट्स किसी भी फिल्मों के। ये पहली ऐसी फिल्म बनी जिसका म्यूजिक राइट जो है वो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, इलेनागो नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो वीडियो है वो क्रेजी स्टार रविचंद्रन सर की फिल्म प्रेमलोका का ये गाना है। गाने का नाम है प्रेमलोकादिंदा। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। इस फिल्म का ये सेकेंड गाना है। लाइट कम है क्या? विष्णुवर्धन सर और अय्यर प्रभाकर सर बैठे हुए थे उस गाने में भी, थे यहाँ पे से बैठे हुए। ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ, ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಣ, ಆನಂದ ಪಡೆಯೋಣ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಮ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳೋಣ, ಜೀವನವೆಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ बाइक जो फिल्म के पोस्टर में भी यूज हुआ। गाली नीर हूँ हन्नु इरुद ये तक्के प्रीति इंद ताने प्रेम दिंद ताने सूर्य चंद्र रात्रि हगलु बरुद ये तक्के प्रीति इंद ताने प्रेम दिंद ताने बरुद हेगे इरुद हेगे ತಿಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ನಮಗೆ, ಒಗಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಕಿತ್ತ ಖರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಸೆಟ್ ಪೆ ದೇಖ್ ರಹೆ ಹೋ ದೂಸರಿ ಬಾರ್ ಜೀವರಾಗವಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಲೋಕವಿಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಸುಗೆ ಇರುವುದು ಹೀಗೆ ಒಲವಿನ ಸೆರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿಗೆ ತೋರುವ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮವು ಹೊರತಾನೇ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಣ
ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನೋಣ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ ओके okay, तो फिल्म प्रेम लोका का ये गाना था प्रेम लोका दिंदा। इससे पहले इस फिल्म का नौदम्मा हुदगी जो गाना है उस गाने का रिएक्शन वीडियो मैंने किया था। उस दिन 30th मई को रविचंद्रन सर का बर्थडे था तो उस दिन मैंने ये वीडियो किया था, लेकिन बीच में लाइट नहीं होने के कारण आंधी तूफान इतना ज़्यादा आ गया था कि लाइट नहीं थी तो मैं बीच में वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। बिल्कुल भी कुछ था ही नहीं, इन्वर्टर ख़त्म, सब ख़त्म, कुछ भी नहीं था। तो अभी फाइनली ये वीडियो आ रहा है। तो ये जो अभी आपने गाना देखा, इसमें आपने रविचंद्रन सर को देखा, देन जूही चावला को देखा, और क्योंकि उस गाने में नौदम्मा हुदगी में प्रोफेसर के रूप में विष्णुवर्धन सर थे, टाइगर प्रभाकर सर थे, तो उनको भी इस गाने में दिखाया गया। आई थिंक ये जो सॉन्ग है वो फिल्म में कब होगा, कोई फेस्टिवल वगैरह होगा फिल्म में, उस टाइम का ये गाना है। तो बहुत ही अच्छा गाना था ये, स्पेशली अगर सेट की बात करें तो सेट बनाने में बहुत खर्चा किया गया है, जो पूरा स्पेस का दिखाया गया, जो ग्रह ये सब दिखाए गए हैं, बर्फ का जो सीन दिखाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। तो पूरा अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा इस सेट पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो फिल्म है प्रेम लोका, ये 1987 में आई कन्नड़ा लैंग्वेज की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस गाने को गाया है एस जानकी, केजे, यसुदास और रविचंद्रन सर ने। इस गाने के लिरिक्स और इस गाने में म्यूजिक दिया है हमसलेखा सर ने। इस फिल्म में लीड रोल में थे वी रविचंद्रन सर, जूही चावला, और गेस्ट अपीयरेंस में थे विष्णुवर्धन सर, देन टाइगर प्रभाकर सर। इस फिल्म का बजट था 1.7 करोड़ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन 15 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि उस टाइम फिल्म के बजट के लिहाज से भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में 1 करोड़ के बजट में कोई भी फिल्म नहीं बनी थी। तो बजट के लिहाज से ये फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था, देन कलेक्शन भी इसने काफ़ी अच्छा किया। और आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो म्यूजिक राइट्स है वो पहले, इस फिल्म के आने से पहले जो लहरी म्यूजिक के ऑनर थे जिस पे ये सॉन्ग है, जिन्होंने इसके राइट्स खरीदे थे म्यूजिक के, वो बोल रहे थे कि इससे पहले 100,000 रुपये ऐसे में बिकते थे म्यूजिक राइट्स किसी भी फिल्मों के। ये पहली ऐसी फिल्म बनी जिसका म्यूजिक राइट जो है वो 1.5 लाख रुपए में बिका था। तो उस टाइम ये बहुत बड़ा नंबर था किसी भी फिल्म के लिए, कहाँ 100 रुपए और 1,000 रुपए में बिकता था, और कहाँ ये जो फिल्म है, इस फिल्म का म्यूजिक वो 1.5 लाख में बिका था। तो उसी टाइम इस फिल्म ने एक, इस फिल्म में टोटल लगभग 11 गाने हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस फिल्म के लिए, 1.5 लाख में इसका म्यूजिक बिकना। और इस फिल्म का जो ऑडियो कैसेट का है वो टोटल कितना बिका था आपको पता है? 3.8 मिलियन। जी हाँ, 3.8 मिलियन कैसेट इसके ऑडियो के बिके थे। तो ये भी एक रिकॉर्ड ही था इस फिल्म के लिए, क्योंकि इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। और बात करूँ जूही चावला के बारे में, तो जूही चावला की एंट्री होने से पहले इस फिल्म में रविचंद्रन सर ने 52 लड़कियों को रिजेक्ट किया था, उनको लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी जिस तरह का कैरेक्टर था इस फिल्म के लिए, तो 52 लड़कियों को रिजेक्ट किया था। देन लास्ट में फाइनली जूही चावला को फाइनल किया गया। और इस फिल्म के बारे में आपको बता दूं कि इस फिल्म के एक्टर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है खुद वी रविचंद्रन सर ने। एज अ डायरेक्टर उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। जब ये फिल्म आई थी 1987 में, तब स्टार्टिंग के कुछ दिनों में इस फिल्म को बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद फिल्म ने गेयरअप किया और उसके बाद जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई तो खैर सबको पता है। देन इस फिल्म के बाद रविचंद्रन सर जो है वो एक यूथ आइकॉन बन गए, स्टाइल आइकॉन बन गए इस फिल्म के बाद। इस फिल्म में उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया कि यूथ जो है वो उनको फॉलो करने लगे, और ये उस टाइम की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म थी कलेक्शन के मामले में। तो बस अभी आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग नेक्स्ट गाना कौन सा देखना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर जिस वीडियो को, जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं वही गाना करूंगा। तो बस अभी आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।